है ये ग्लूटाथियोन? क्या आपको ये सच में गोरा बनाएगा? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट्स है? क्या आपके सेहत के लिए यह अच्छा है? क्या मुझे रिजल्ट मिला है? क्या मेरा स्किन पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है? अगर आपके मन में ये सारे सवाल है, देन कीप ऑन वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मलिक। दोस्तों, आज का वीडियो है अबाउट ग्लूटाथियोन। रिसेंटली मैं बहुत यूट्यूबर्स और मार्केट में भी मैं बहुत देख रही हूँ कि बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होता है। तो मैं भी थोड़ा क्यूरियस थी कि क्या यह सच में काम करता है, और इनिशियली जो जो क्वेश्चंस आपने देखा है वो क्वेश्चंस एक्चुअली मेरे मन में भी था। तो मैंने सोचा कि ट्राई किया जाए और क्यों ना देखा जाए कि है क्या ये चीज़। और अगर आप ये सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, देन कीप ऑन वॉचिंग। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। एंड ऑल्सो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी, सो डू फॉलो मी देयर। तो दोस्तों, सबसे बेसिक और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, दैट इज व्हाट इज ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, और एनी लिविंग काइंड और एनी लिविंग थिंग के अंदर होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनी एनिमल्स, ह्यूमंस, सबके अंदर होता है। लेकिन क्या करता है कि ये जो हमारे बॉडी का मेलानिन प्रोडक्शन, अभी मेलानिन क्या है, मेलानिन होता है जो हमारे बॉडी का पिगमेंट्स होता है। जैसे कि समझो हम पूरे दिन बाहर धूप में घूमे तो हम बोलते हैं ना कि हम टैन हो गए। ये टैन क्या होता है कि जब हम बहुत देर तक बाहर घूमते हैं तो क्या होता है कि स्किन पे सनबर्न हो जाता है, तो वो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब ये मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्किन पे वो पिगमेंटेशन, काले धब्बे, रेड स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स, वायलेट स्पॉट्स, जो भी स्पॉट्स होता है, जो कलर्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलानिन, कि वो जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। एंड बेसिकली ग्लूटाथियोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे स्किन का जो नेचुरल कलर है वो बिल्डअप करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज इट मेक यू फेयर? क्या आपको गोरा बनाएगा? मैंने बोला जैसे कि आपके बॉडी के अंदर होता है, लेकिन अगर आपका जो स्किन टोन है वो इन्हेंस करना चाहते हो, मतलब आप, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये गोरा बनाएगा। अगर आप डस्की स्किन टोन हो तो आपका स्किन टोन डस्की रहेगा, लेकिन अब हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे पिगमेंटेशंस होता है, बहुत सारे डार्क स्पॉट्स होता है, एक्ने स्पॉट्स होता है, तो क्या होगा, अगर आप इंटेक करोगे तो वो जो स्पॉट्स है, एक्स्ट्रा स्पॉट्स है, जो अपना नेचुरल स्किन कलर के अलावा जो स्पॉट्स है, वो स्पॉट्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो क्या होगा, जो आपका जो खुद का जो स्किन है वो भर के निकल आएगा, निखारेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। तो अगर आप डस्की हो उससे आप फेयर बन जाओगे, ये वाला जो कंसेप्ट है इसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, और नहीं बोल रही हूँ कि आप फेयर बन जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू टेक दिस, कैसे लोगे आप? एक्चुअली इसका दो तरीका होता है, आईवी और टैबलेट्स। तो इंट्रावेनस भी आप ले सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा जल्दी काम करता है आपके स्किन के लिए। लेकिन आप टैबलेट्स भी ले सकते हो जो आपको ओरली लेना पड़ेगा। तो मैं अभी ये टैबलेट्स यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ग्लूटन 1000, दिस इज़ द पैकेजिंग, और इसके साथ मैं ये एस्कॉर्जी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें ग्लूटन हमेशा विटामिन सी के साथ लेना पड़ता है। इसमें विटामिन सी है, दिस इज़ विटामिन सी टैबलेट विद जिंक। विटामिन सी आप सबको पता है कि हमारा स्किन के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइटनिंग मतलब आपका जो एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन है वो दूर हो जाता है। तो स्किन लाइटनिंग के साथ साथ जिंक जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा स्किन का जो ओरिजिनल जो कलर है वो निखार के बाहर आता है। उसके साथ साथ ये हमारे इम्यूनिटी भी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो अभी मैं आपको ये जो पैकेज है मैं थोड़ा आपको शेयर करती हूँ कि दिखने में कैसा है। सो दिस इज़ द ग्लूटन 1000 टैबलेट, इसके अंदर है ये टैबलेट्स, तो ऐसा पैकेजिंग है। तो ये अगर आप ओपन करोगे तो इधर आपको टैबलेट्स मिलेगा। सो दिस इज़ वन टैबलेट, और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा एस्कॉर्जी जो है विटामिन सी प्लस जिंक, इसका भी सेम ऐसा टैबलेट्स फॉर्म में मिलेगा आपको। मैं आपको दिखाती हूँ,
दिस इज़ वन मोर टैबलेट. नाउ द क्वेश्चन इज़ ये आप कैसे इनटेक करोगे. तो द एक्चुअली इसका जो प्रोसेस है इसके पीछे पूरा लिखा हुआ है. मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक में 1 ग्लास वाटर के अंदर आपको एक टैबलेट और टैबलेट ऑफ स्कॉर्जी ये दोनों आपको डालना है. उसके बाद उसको मिक्स करके आपको पी लेना है. टेस्ट भी बहुत अच्छा है तो पीने के लिए कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी. मॉर्निंग इसलिए आपको पीना है क्योंकि मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक होता है तो आप कुछ भी आप इंटेक करोगे तो वो बहुत जल्दी आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइड इफेक्ट. क्या साइड इफेक्ट है इसका, ये बहुत बड़ा सवाल है. तो बेसिकली इसका कोई साइड इफेक्ट मुझे तो नहीं लगा क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मेडिसिन. आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो. दिस इज़ काइंड ऑफ सप्लीमेंट. जो हम मल्टीविटामिन लेते हैं ना रात को सोने से पहले, मल्टीविटामिन एज अ सप्लीमेंट. और हम एमवे का प्रोडक्ट लेते हैं सप्लीमेंट. मैं तो रोज़ लेती हूँ एमवे का प्रोडक्ट. करीबन 7-8 प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ. कैल्शियम डेली, विटामिन सी, आयरन मैं बहुत सारा लेती हूँ एक्चुअली. सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सप्लीमेंट जो आप अपनी स्किन के लिए दे रहे हो, जो अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दे रहे हो. तो मुझे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा. तो क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपके बॉडी के लिए ये सही है? मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि कोई भी सप्लीमेंट और कोई भी ऐसा कुछ लेने से पहले, क्योंकि ये स्किन रिलेटेड थिंग है, तो ये लेने से पहले हमेशा अपना डर्माटोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए. उनको पूछिए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है तो मैं ये लेना चाहती हूँ, क्या मेरे सेहत के लिए सही है या नहीं. क्योंकि बहुत सारे इंसान के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है. मे बी यू आर इनटू सम काइंड ऑफ ड्रग कि जिसके साथ ये नहीं जाता है कॉम्बिनेशन. तो हमेशा जब भी आप कुछ भी इंटेक करोगे तो हमेशा आप अपने डर्मेट और अपना जो डॉक्टर कंसल्टेंट है उनके साथ थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप ये चालू कीजिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ किस किस को ये नहीं लेना चाहिए. इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो और आपका कोई सीवियर मेडिसिन चल रहा है आपके बॉडी के अंदर, आपका कोई कॉम्प्लिकेशंस है, आपका कुछ मेडिसिन प्रॉब्लम है, आपका कुछ मेडिकल इश्यूज है, देन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट टेक दिस वन. लेकिन अगर आपका ये सारा प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कि मैंने बोला है, हमेशा लेने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए. नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या मुझे रिजल्ट मिला है, क्या मेरा स्किन पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है? फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा टाइम लगता है काम करने में. अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो जो रातों रात या एक ही हफ्ते में आपको गोरा बना देगा, ऐसा प्रोडक्ट अगर है तो समझ लेना कि उसमें कुछ गलतियाँ और कुछ है उसके अंदर जिनका साइड इफ़ेक्ट होगा. क्योंकि इसके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो ये थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा. मिनिमम 1 मंथ आपको लगेगा थोड़ा सा डिफरेंस दिखने में. मुझे तो करीबन 20-25 डेज लगा है थोड़ा सा डिफरेंस दिखने में, क्योंकि मुझे पहले बहुत सारे पिंपल्स का मार्क्स था, अभी वो बहुत कम हो गया है. मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है. लेकिन अब अगर बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखना चाहते हो कि आपका स्किन में कोई पिगमेंटेशन नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लीन एंड साफ रहेगा, तो आपको ये कंटिन्यूसली 4 मंथ्स इनटेक करना पड़ेगा. उसके बाद आप देख सकते हो कि आपका स्किन का जो एक्चुअल कलर है वो बहुत अच्छे से निखार के आएगा, आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो करेगा. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर मिलेगा. अगर आप सर्च करोगे मार्केट में मिलता है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत फेक प्रोडक्ट्स भी होता है, सो बी अवेयर ऑफ दैट. मैंने जो इंटेक किया है ये ग्लूटॉन 1000, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर. अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में. दिस कॉस्ट 2398 रुपीज़. इसमें 15 टैबलेट्स मिलेगा और इसके साथ आपको ये भी मिलेगा जो है एस्कॉर्जी, विटामिन सी एंड जिंक. तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अबाउट ग्लूटॉन 100 एंड आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किया है. आपको जो क्वेरीज है मैंने कवर किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया है. अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है और कुछ पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए. लेट्स एम फॉर 500 लाइक्स. सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन. See you in my next video. Till then, be happy, be confident, and keep smiling. Bye-bye.